हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी वेबसाइट जो आपके बहुत काम में आने वाली है, जिसका नाम है दोस्तों ड्राउ इमेज। इस वेबसाइट की मदद से आप दोस्तों कोई भी तिरछी मिर्ची इमेज बनाते हो तो उससे रिलेटिव आपको एक बेहतरीन इमेज मिल जाती है, जिससे आपको पेंटिंग करने में काफ़ी आसानी होती है। मैं आ चुका हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और क्रोम ब्राउज़र पे इंटरनेट की पहली वेबसाइट सर्च करते हैं ड्राउ इमेज। इसको दोस्तों एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में आपको ऑटो ड्राउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस वेबसाइट पे अपन जाते हैं, और आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको ऑटो ड्राउ का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप कोई भी ड्राइविंग बना सकते हो। अभी देखिए, मैं आपको एक साइकिल जैसा कुछ बना के दिखाता हूँ। ये मैंने पहिया बना दिया, ये अभी दूसरा पहिया बना रहा हूँ। और पहिया बनाने के बाद में ऊपर साइकिल का कुछ वो बनाता हूँ, पाइप जैसा। और अब आप दोस्तों ऊपर देख सकते हो कि आपको साइकिल मिल चुकी है। इसी प्रकार की साइकिल आप ले सकते हो। और आगे देखिए तो आपको आगे दो तीन साइकिल और डिज़ाइन मिल चुकी है। इसी वेबसाइट का दोस्तों यही फ़ायदा है कि इस पे आप कोई भी ड्राइविंग बनाए ड्राइव करते हो, तो उससे आपको रिलेटिव और अमेजिंग मिल जाती है। अभी जैसे मैं आपको एक पेड़ बनाता हूँ, ये देखिए पेड़ कुछ तिरछा मिर्चा ऐसा ही बना रहा हूँ, लेकिन आपको बेहतरीन पेड़ मिल जाते हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आप जब भी कोई एमएस वर्ड में, पेंट में, मान लीजिए पेंटिंग बनाते हो, तो आपको पेंटिंग बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और आपको इतनी अच्छी पेंटिंग बन भी नहीं पाती। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, वो भी दोस्तों बिना अपना टाइम ज़्यादा खर्च किए। अभी देखिए, मैं नीचे एक गाड़ी बना रहा हूँ, जिस गाड़ी का आप मैंने दो पहिए बनाए, एक डब्बा जैसा बनाया है, लेकिन आपको ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ी मिल जाती है, जिनमें से अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करना चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए गाड़ी, आप अलग अलग प्रकार की जो भी सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आपको मिल जाता है ड्राव का, आप अपने हिसाब से कुछ ड्राइविंग करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। और ऊपर ही ऊपर वाले ऑप्शन से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करना है, या इसको राउंडिंग में घुमाना है 360 डिग्री पे, वो भी आप कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें कोई भी कलर, इसके बॉर्डर का, इसके अंदर का कुछ भी आप इसमें फिल कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ बिंदी बिंदी आप बना सकते हो, ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको। इसको मैं अभी ब्रेक ले लेता हूँ और आपको कलर फील करके दिखाता हूँ। ये हो गया, पेड़ के अंदर कुछ हरा भरा करता हूँ कलर, इसमें नीचे तने में भी कर देता हूँ, और आपको नीचे नीचे ऑप्शन मिल रहा है, इससे आप अंडू बेक ले सकते हो। जैसे मैं अभी बेक लेता हूँ और वापस से उसमें कलर भरता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार इस वेबसाइट में आप अच्छे अच्छे पेंटिंग बना सकते हो, वो भी आप अपना टाइम बिना गवाए। और इसमें से दोस्तों आप मान लीजिए बैकग्राउंड का कलर भरना चाहते हो, वो भी आप भर सकते हो। और आप दोस्तों यहाँ से इसको सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और दोस्तों आप अपने माउस के कंट्रोल राइट बटन को दबा के भी इसको सेव कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों इंटरनेट की सेकंड वेबसाइट पे, जिसका नाम है दोस्तों पॉइंटर पॉइंटर। इस वेबसाइट में दोस्तों क्या होगा कि आप जहाँ भी अपने माउस को रखते हो, आप अपने माउस को जहाँ भी रखते हो, वहाँ आपको एक अंगुली का निशान मिल जाता है। इस वेबसाइट की दोस्तों यही सबसे खास बात है कि इसमें आप जहाँ भी अंगुली रखोगे, मतलब अपने माउस को रखोगे, वहाँ आपको एक अंगुली देखने को मिल जाएगी, जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति
एक अंगुली से इशारा कर रहा है आपके माउस के पॉइंट की तरफ, और इसी से इसका नाम रखा गया है पॉइंटर पॉइंटर। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।